मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। जी हां, यहां चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स। जी हां, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी मध्य प्रदेश में जबरदस्त जनादेश के लिए तैयार है। हालांकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के रुझान ने सियासी समीकरण और गुणा भाग की चर्चाओं को तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट होने से कांग्रेस और कमलनाथ को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रही सही कसर पूरी कर दी। इन छोटे दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचते देखा जा रहा है। राज्य में दरअसल 230 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 116 का आंकड़ा पहुंचना जरूरी है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल की माने तो मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 140 से 162 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस 68 से 90 सीटों के अनुमान के साथ काफी पीछे है। बीजेपी के लिए औसत सीट अनुमान 152 है और कांग्रेस के लिए 76। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता विरोधी लहर को मात दे दी है। सर्वे में शामिल सबसे ज्यादा 36% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया है। लोकप्रियता में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ काफी पीछे हैं। 30% लोगों ने कमलनाथ को पसंद किया। अन्य एग्जिट पोल ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की संभावना जताई। हालांकि पोल स्ट्रेट सर्वे में कांग्रेस को बीजेपी पर थोड़ी बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया। 5 एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 130 सीटें और कांग्रेस को 98 सीटें मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल कहते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट किया है। बीजेपी की बढ़त महिला केंद्रित योजनाओं का योगदान रहा। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। माना यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा प्रयास किए, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में सीएम फेस भी घोषित नहीं किया था। शिवराज ने जमीन पर उतर कर काम किया, ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो किए, हर वर्ग को साधने की कोशिश की, महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं लेकर आए और जमीन पर उतारे। खासतौर पर लाडली बहना योजना ने चर्चा बटोरी। एग्जिट पोल आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, जो कांटा था वो लाडली बहना ने निकाल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभाएं बीजेपी को प्रचंड बहुमत की ओर ले गई। वहीं 5 राज्यों में चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का दम भरने वाले प्रमुख दल अब अलग थलग पड़ गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात नहीं करने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर मोर्चा संभाला और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और सपा उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश ने कांग्रेस नेताओं को धोखेबाज तक बताया। कमलनाथ और दिग्विजय पर खूब जुबानी तीर छोड़े। कांग्रेस ने सावधान किया और चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। हालांकि अखिलेश उतना ही मुखर बीजेपी को लेकर भी देखे गए, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर पड़ा। 3 महीने तक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में पहले विपक्षी गठबंधन की हवा और फिर राज्यों के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होने से सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों दलों को नुकसान पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। वहीं जानकार कहते हैं कि सपा के साथ बड़ी कड़वाहट का नफा नुकसान का आकलन का कांग्रेस नेता भी ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि सपा ने ऐसे उम्मीदवार के चयन में इस बार पर जोर दिया जिनका अपना खुद का जनाधार है। उन सीटों पर पार्टी भले ही जीतना दर्ज कर सके, लेकिन फाइट में बनी रहे ताकि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती दी जा सके। इतना ही नहीं, सपा ने बीजेपी और कांग्रेस के रूठे नेताओं को भी टिकट देने में गुरेज नहीं किया। कांग्रेस से नाराज मिर्ची बाबा को शिवराज सिंह के खिलाफ बुदनी से उतार कर चौंका दिया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने भी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाई। राज्य में आदिवासी समाज को साधने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हाथ मिलाया और अलायंस में चुनाव लड़ा। राज्य में 22% आदिवासी वोट है। बसपा ने 174 सीटों पर चुनाव लड़ा। आदिवासी इलाकों में सक्रिय जीजीपी ने भी 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एग्जिट पोल नतीजों में बसपा गठबंधन को 6% वोट शेयर मिलते दिख रहा है। हालांकि सीटों की बात की जाए तो 0-2 के बीच उम्मीदवार जीतने की संभावना है। पिछले चुनाव में बसपा के 2 उम्मीदवार जीते थे। बसपा और जीजीपी गठबंधन मध्य प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभर कर तेजी से सामने आया है। बसपा, जीजीपी गठबंधन और अन्य के वोट शेयर को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता की लड़ाई में नए समीकरण बनने की संभावना पूरे तरीके से जता रहा है। इस चुनाव में बसपा ने अपने अधिकांश उम्मीदवार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य इलाके में उतारे। मां कौशल निमाड़ के हिस्से में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार दमखम के साथ चुनावी मैदान में देखे गए। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद चुनावी सभाएं की और दलित मुस्लिम वोटर्स को साधने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है।
राज्य की 47 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। जीजीपी ने इन सभी सीटों पर गठबंधन में अपने उम्मीदवार खड़े किए, इससे आदिवासी वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान देखें तो बसपा, सपा, निर्दलीय और छोटे दलों में वोट बंटने से सीधा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं चुनावी रुझान और जानकार कहते हैं कि कांग्रेस ने जिन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे वो चुनावी मैदान में पार्टी को भारी पड़ सकते हैं। कांग्रेस ने गोहद सीट से सिटिंग विधायक मेवाराम जाटव का टिकट काटकर केशव देसाई को दिया। मुरैना में कांग्रेस ने सिटिंग विधायक राकेश मावई का टिकट काटा, उनकी जगह दिनेश गुर्जर को टिकट दिया। मावई गुर्जर समाज के नेता माने जाते हैं। पार्टी से नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें मुरैना श्योपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया। ब्यावरा ने कांग्रेस से उपचुनाव जीतने वाले रामचंद्र डांगी का टिकट काटकर पुरुषोत्तम डांगी को दिया। कांग्रेस ने सेधवा सीट पर ग्यारसी लाला रावत का टिकट काटकर मोंटू सोलंकी को दिया। यहां कांग्रेस ने जयस को साधने की कोशिश की, इससे पुराने कांग्रेसियों में थोड़ी नाराजगी भी देखी गई। गुनौर से कांग्रेस ने शिवदयाल बागरी का टिकट काटकर जीवनलाल सिद्धार्थ को मौका दिया। कांग्रेस के इस निर्णय का अंदर खाने में काफी विरोध हुआ। वहीं बघेलखंड इलाके की अगर बात की जाए तो बघेलखंड इलाके में कुल 30 सीट थी, जिसमें बीजेपी को 18, कांग्रेस को 11 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में सपा और बसपा अक्सर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल इलाके में अपने उम्मीदवार उतारते आई है। इन दोनों पार्टियों का इन इलाकों में बड़ा वोट बैंक है और चुनाव में ये दल गेम चेंजर बनकर उभरते आए। कई बार बाजी पलटते देखी गई है। सपा बसपा को बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाते देखा जाता है। जानकार कहते हैं कि सपा के अकेले चुनाव लड़ने से यूपी से सटी सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इस बार आपने भी उम्मीदवार उतारे, आपका फोकस विंध्य इलाके में। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।